सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल नोएडा रियल्टी। तो आज हम विजिट करने वाले हैं निम्बस एक्सप्रेस पार्क व्यू 2। लोकेशन की बात करें तो दिस इज लोकेटेड इन चाई 5 ग्रेटर नोएडा। लैंडमार्क की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज अपोजिट टू पूर्वांचल रॉयल सिटी। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अलॉन्ग विद द सेम, यहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेंगे तो दैट इज बीन डन इफेक्टिवली। सो करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज योर कमर्शियल। उसके पीछे जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज द लो राइज डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वीडियो में जो लो राइज डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो कंटेंट हम आने वाले कुछ वीडियोस में लेकर आएंगे। सो करंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस इज ऑल हाई राइज डेवलपमेंट। तो अगर हम प्रोजेक्ट डिटेल की बात करें, 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 टावर हैं इसके अंदर और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1200। सो चाई 5 की अगर हम बात करें, वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ ग्रेटर नोएडा। नियर बाय मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन इज द नियरेस्ट वन। मॉल की अगर हम बात करें तो MSX मॉल इज द नियरेस्ट। विसिनिटी में अगर हॉस्पिटल की बात करें तो योर कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा इज द नियरेस्ट वन। स्कूल की अगर हम बात करें तो ग्रेट वैली स्कूल इज द नियरेस्ट वन। और वही अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी आपको विसिनिटी में मिल जाते। सो दिस इज द क्लब एरिया एंड द लैंडस्केप ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दिस इज वेल कनेक्टेड विद योर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, योर यमुना एक्सप्रेसवे एज वेल एज योर ईस्टर्न पेरिफेरल। प्रोजेक्ट ऑफरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 और 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो कंटेंट में जो वेरिएंट हम विजिट करने वाले हैं, दैट इज योर 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट वेरिएंट, जो कि 1562 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड है। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल प्रोजेक्ट लुक लाइक। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल अपार्टमेंट। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हम एक 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट वेरिएंट विजिट करने वाले हैं, जो कि 1562 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड है। सो एंटर करते ही आपको एक ड्रॉइंग एरिया मिल जाता है, जिसका डायमेंशन 10x16 का है। अलॉन्ग विद द सेम आपको एक डाइनिंग एरिया मिल जाता है 7.5x10.8 का। सो हेयर कम्स योर किचन, 7x9 का डायमेंशन है इसका। दिस कम्स विद अ यूटिलिटी बालकनी। यूटिलिटी बालकनी के विड्थ की बात करें तो दिस इज 4 फीट वाइड एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द यूटिलिटी बालकनी। सो मूविंग फर्दर, दिस इज योर कॉमन वॉशरूम, 5x7 का डायमेंशन है इसका। सो स्टार्टिंग विद द थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट, 12x10.8 का डायमेंशन है इसका। दिस बेडरूम डज हैव अ फ्रेंच विंडो एंड दिस बेडरूम इज नॉट कनेक्टेड विद एनी ऑफ द वॉशरूम्स। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड बेडरूम, 10x11 का डायमेंशन है इसका। दिस कम्स विद द वार्डरोब स्पेस, यूटिलिटी बालकनी एंड योर कनेक्टेड वॉशरूम, जिसका डायमेंशन 5x7 का है। सो दिस इज योर रनिंग बालकनी, दैट इज 5 फीट वाइड। दिस बालकनी इज कनेक्टेड विद योर मास्टर बेडरूम। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम, 14x11 का डायमेंशन है इसका। This again comes with your wardrobe area, your washroom and your connected balcony. Washroom area के dimension की बात करें तो this is 6x8. This is the same balcony जो अभी हमने आपको पहले secondary bedroom से connected दिखाई थी। सो आज के जो वीडियो कंटेंट में हमने अपार्टमेंट विजिट किया, इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दिस कम्स फॉर 67 लाख अप्रॉक्स। सो इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट एक्सप्रेस पार्कव्यू 2, यू कैन कनेक्ट अस ऑन द नंबर मेंशनड ऑन द स्क्रीन। अपार्ट फ्रॉम द सेम, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। सो इन केस आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, वी विल बी कमिंग अप विद मोर सच कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।